हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ। मैं हूं जोगल राजा। हमारे इस लव और रिलेशनशिप के चैनल में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपके पार्टनर ने बिना मतलब के आपको छोड़ दिया है और वो इंसान आपकी नजरों के सामने ही रहता है, आप उसको देखते हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वो मजे मार रहा है, लेकिन आपको अकेले छोड़ दिए अपनी लाइफ में तड़पने के लिए, तो उनको देखकर आपको तकलीफ तो बहुत ज्यादा होती होगी। क्योंकि इस दर्द को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि वो इंसान अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स में नहीं है, वो आपको छोड़ के चला गया है और अपनी लाइफ में मजे मार रहा है, लेकिन जो ये तकलीफ है सिर्फ और सिर्फ आप ही समझते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप भी उसे ये दिखाना चाहते हो, आप भी उसे इसी तरह से तड़पाना चाहते हो ताकि उसको पता चले कि इस चीज की तड़प क्या होती है। अगर आप इसको दिखाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, कोई इंसान आपको छोड़ क्यों देता है, क्योंकि उस इंसान को शायद ये लगता होगा कि उसका लेवल आपसे कहीं ऊपर है, उसको लगता है कि उससे अच्छा भी पार्टनर उसको मिल सकता है और इसी वजह से उसने आपको कम में आ गया। दोस्तों, जो भी हुआ उसको भूल जाए। मैं आपको यहाँ पे ऐसी बात बताऊंगा कि वही इंसान जो आपको छोड़ के गया है वो आपको देख के तड़पेगा कि मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ दिया। उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा कि आपको अच्छे दिखना होगा। मैं आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होगा पता है, आपके पार्टनर ने जब आपको छोड़ दिया तो यही सोचता होगा कि जब से मैंने को छोड़ा होगा उसकी लाइफ में गम ही गम होगा, वो इंसान देवदास की तरह रहता होगा। आपने ऑलमोस्ट ऐसे समाज में एग्जांपल देखे होंगे कि लोग जो प्यार में फेल हो जाते हैं ना, हमेशा गम में रहते हैं, उसको किसी चीजों के बारे में ख्याल ना होता। आप उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये देवदास है, तो आपको वो बात नहीं करनी है, क्योंकि आपका पार्टनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरह से अब अपनी लाइफ गुजारोगे, बच्ची खुशी लाइफ आप इस तरह से जियोगे, आपकी लाइफ में कोई रोमांच नहीं होगा, कोई मजे नहीं होगा, मजे तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये आपकी गलती है। सबसे पहली चीज ये करने का, आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखना है। इसका फायदा आपको पहला तो ये होगा कि दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, आपके ग्रुप बनेंगे। दोस्तों, जो भी हुआ उसको भूल जाए। मैं आपको यहाँ पे ऐसी बात बताऊंगा कि वही इंसान जो आपको छोड़ के गया है वो आपको देख के तड़पेगा कि मैंने इस इंसान को क्यों छोड़ दिया। उसके लिए सबसे पहले आपको काम करना होगा कि आपको अच्छे दिखना होगा। मैं आपके पर्सनैलिटी के बारे में, आपके कपड़ों के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट क्या होगा पता है, आपके पार्टनर ने जब आपको छोड़ दिया तो यही सोचता होगा कि जब से मैंने उसको छोड़ा होगा उसकी लाइफ में गम ही गम होगा, वो इंसान देवदास की तरह रहता होगा। आपने ऑलमोस्ट ऐसे समाज में एग्जांपल देखे होंगे कि लोग जो प्यार में फेल हो जाते हैं ना, हमेशा गम में रहते हैं, उसको किसी चीजों के बारे में ख्याल ना होता। आप उसको देख के पहचान जाते हैं कि ये देवदास है, तो आपको वो बात नहीं करनी है, क्योंकि आपका पार्टनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इस तरह से अब अपनी लाइफ गुजारोगे, बच्ची खुशी लाइफ आप इस तरह से जियोगे, आपकी लाइफ में कोई रोमांच नहीं होगा, कोई मजे नहीं होगा, मजे तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, ये आपकी गलती है। सबसे पहली चीज ये करने का, आपको बहुत ही अच्छी तरह से दिखना है। इसका फायदा आपको पहला तो ये होगा कि दूसरे लोग भी आपके साथ अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, आपके ग्रुप बनेंगे, लेकिन आपको सबसे बड़ा फायदा तो यहाँ पे ये होने वाला है कि आपके पार्टनर के माइंड में जो ये भ्रम था ना कि मैंने इसको छोड़ दिया इसलिए उसकी लाइफ में कुछ बचा नहीं, वो अपनी लाइफ में गम ही गम पाएगा, तो ये भ्रम उसका टूटेगा। जब वो आपको देखेगा तो उसे लगेगा कि यार इसको तो कुछ फर्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज कि आप अपने पार्टनर को ये सोव करो कि ये जो टाइम है ना, तू मुझे छोड़ के गया ना, उसके बाद जो मेरी लाइफ का जो टाइम है ना वो अच्छा टाइम है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा ही सोचना है कि उसको छोड़ देने के बाद उसका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, वो ऐसा ही सोचता है, तो आपको उसको सोव करना है। मोस्ट ऑफ लोग क्या करते हैं कि अपने घर में शमशान बैठ जाते, वो कहीं पे बाहर नहीं निकलते, गम वाली जिंदगी काटते हैं कि जिस तरह से उसकी लाइफ में कुछ थोड़े दिन बचे हो और उसका कोई गम लग गया। इस तरह से अपनी लाइफ ना काटो, अपने पार्टनर को दिखाओ कि आपकी लाइफ में उसको छोड़ जाने के बाद ही अच्छा टाइम आया, आप अपनी लाइफ को अच्छी तरह से इंजॉय करते हो, फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ इंजॉय करो, घूमने जाओ, जिस तरह से भी आप अपने पार्टनर को सोव कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपली बताऊं, जिस तरह से आप सोव कर सकते हो, के साथ आपका ब्रेकअप होने के बाद आपकी लाइफ में और खुशियां आई है, आप अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में कोई घटा नहीं है, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग क्या होता है कि ब्रेकअप के बाद दुखी वाले स्टेटस डालते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक के, तो आपको ये नहीं करने है, खुशी वाले डालने हैं, जिससे आपका पार्टनर हैरान हो जाएगा कि यार इसके लाइफ में ऐसा तो क्या चल रहा है कि ये मुझे साथ था तब खुश था, इसे वजह मैंने इसको छोड़ दिया, उसे और ज्यादा कैसे खुश हो सकता है। तीसरी चीज आपको करनी होगी कि अपने आप को बिजी बनाओ अपने काम के लिए, क्योंकि आपको पार्टनर को पता है कि आप ज्यादातर टाइम है ना अपने पार्टनर को देते हैं, अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा टाइम आपने अपने पार्टनर को दिया है या उस टाइम को आपने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, और इसीलिए आपका पार्टनर ये समझ रहा था कि आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, आपकी लाइफ में काम के लिए कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, तो अपने काम को यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दो।
ऑटोमेटिकली होगा क्या कि जब आप बिजी हो गए तो आपका पार्टनर ये नोटिस करेगा कि यार अपनी लाइफ में आप ग्रो कर रहे हो, ठीक है, आपके पास ऐसी फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं है, आपके पार्टनर जैसे लोगों के लिए आपके पास टाइम नहीं है, अपनी लाइफ को इस तरह से बिजी बनाओ। इससे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है आपके पार्टनर के ऊपर। आपका पार्टनर आपको छोड़ने के बाद ये भी समझता होगा कि ऐसे इंसान को, ऐसी लड़की को या ऐसे लड़के को कोई लड़का या लड़की नहीं मिलेगा, मेरे जैसा पार्टनर तो इसे मिलेगा ही नहीं। तो आपको यहाँ पे ये चीज भी कर रही है कि अगर आपका पार्टनर आपको नोटिस करे ऐसे टाइम पे और लड़कियों के साथ या और लड़कों के साथ फ्लर्ट करो, उनको दिखाओ कि यार मेरे भी ऐसे दोस्त है, ऐसी गर्लफ्रेंड या ऐसे बॉयफ्रेंड मेरे भी बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि सारे लड़कियों के साथ या सारे लड़कों के साथ आपको फ्लर्ट करना है, लेकिन ऐसे कुछ दोस्त हो सकते हैं जिनके साथ आप उनको शो ऑफ कर सकते हो, तो ऐसा अवश्य करो ताकि उनको पता चले कि आप भी क्या डिजर्व करते हैं। क्योंकि जब वो आपको उससे भी अच्छे लोगों के साथ देखेगा तो उनको जलन होने ही वाली है कि ये तो मुझसे भी आगे निकल गया या आगे निकल गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पांचवी चीज, और ये मुझे लगता है कि शायद आप पहले से कर रहे होगे, नहीं कर रहे हो तो आपको ये करना ही चाहिए कि अगर आप फिर भी अभी भी उसको भाव दे रहे या उसके सामने देख रहे हो, उसको नोटिस कर रहे, तो फौरन ही बंद कर दीजिए। इसके बाद आपको उनको बिल्कुल अच्छी तरह से इग्नोर करना है, टोटली इग्नोर करना है, क्योंकि उस इंसान को तो ये लगता है कि ऐसे इंसान को मैंने छोड़ दिया, मैं उसे इग्नोर करता हूं, मैं उसके सामने देखता भी नहीं। तो टोटली चीज ये आपको करनी है, क्योंकि आप जब उसको इग्नोर करें और इस तरह से इग्नोर करें कि उस इंसान को पूरी तरह से भूल गए, उसके बारे में आपको कुछ याद ही नहीं, उसने आपको भी छोड़ा था, ये बात है उसका रिलेशन कुछ भी आपको याद नहीं, उस तरह से आप रिएक्ट करना है, आपको उस तरह से उसको इग्नोर करना है, क्यों उसको ये लगेगा कि यार ये इंसान तो मेरे बारे में सोचता होगा। लेकिन आप जब पूरी तरह से उसको इग्नोर करोगे तो उसको लगेगा कि यार ये इंसान तो मुझे भूल गया है, और ये बात को हजम नहीं कर पाएगा, और आपकी ऐसी हरकतों को देखेगा तो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा तड़पेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और वीडियो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू सो मच।